क्या क्रिप्टो स्कैम से बचा जा सकता है? बिल्कुल बच सकता है। देखो स्टार्टिंग में क्या ही काफी कॉइन आए मार्केट में, कुछ MLM के कंसेप्ट के थ्रू आए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू आए मार्केट में, आधे कॉइन उन्होंने फ्रॉड कर दिया। और काफी लोग ऐसे थे इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी जिन्होंने, चाहे वो MLM कंसेप्ट के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट रेफरल के थ्रू हो। जब वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन होती है कोई चीज़ें, जब फर्स्ट टाइम लोग बिना स्टडी किए ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी लोग फंस जाते हैं। इवन मैं भी काफ़ी कॉइन में स्कैम का शिकार हुआ हूँ भाई, करीब करीब नए यूजर कोई ना कोई चाल में फंस ही जाते हैं। आर के मीना जी बिल्कुल आपने सही कहा, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में देखो क्लिक वाले वर्क आए हों इंडिया में, बहुत सारे वर्क आए स्टार्टिंग में, एक दो अच्छा चला, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती गई, वो भी चला गया। अभी फ्यूचर मेकर चल रहा है इंडिया के अंदर MLM प्लान, हालांकि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई और ना ही मैं उसमें ज्वाइन हूँ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला BFX कॉइन, हाँ मुझे याद आ गया BFX कॉइन के बारे में। BFX कॉइन में ने सबसे बड़ा स्कैम किया है दोस्तों, सलमान खान का भाई बता के कि सलमान खान के भाई का कॉइन है, और इस कॉइन में मैं भी फंस गया दोस्तों। इस कॉइन में मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और ना इसका मालिक कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मालिक विदेश भाग चुका है। मुझे आपने भाई याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा बहुत मोटा अमाउंट फंसा हुआ है, मैंने इसमें इसलिए लगा दिया, चलो यार कम से कम, काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप इंडियन कॉइन में नहीं लगाते, मैं कि चलो लो इंडियन में लगी, मैं कि रिपल में बहुत लगाया आज तक, इथेरियम में बहुत लगाया, चलो इसमें लगाता हूँ। इसको बताया कि सलमान खान का भाई इसको प्रमोट करेगा और सलमान खान के भाई का कॉइन है, आप इसमें लगाओ। मैंने इसको स्टडी नहीं किया बहुत अच्छी तरह से, मैंने दे दिया पैसा, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, IMPS कर दी, और आज पूरा पूरा पैसा फंसा हुआ है। एक सिंगल कॉइन वहाँ कन्वर्ट नहीं हो पाया, 90 सतोसी इसका रेट चल रहा है, 150 सतोसी के ऊपर। वेब मास्टर माइंड पूछ रहे हैं कौन कौन से कॉइन स्कैम कर दिया। हरकुलस कॉइन चला था भाई मेरठ से, उस कॉइन में काफ़ी लोग जुड़े, और एक आप जैसे भाई ने ही मुझसे बोला कि सजेस्ट किया कि इसमें आप पैसा लगाइए, तो मैंने सोचा कि इसमें लगाना चाहिए, और उस भाई ने अपनी जेब से ही लगा दिया, फिर मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। बिट प्लस था, इसके अलावा फिर उसके बाद मैं एक HR कॉइन करके था, इसके बाद मैं एक LCC कॉइन था, और फिर मैंने ATC में लगाया, वहाँ मेरा नोवा एक्सचेंज में फंस गया, और जेवड़िया साहब की वादे वादे रहते ही हैं। लेकिन क्या है कि दिल गवाही नहीं देता भाइयों, इंडियन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए। मैं भी फंसा हुआ हूँ काफ़ी कॉइन्स में, तो अगर उनके बारे में अभी मैं कुछ नेगेटिव बोलूँगा, कॉइन 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे हो जाएगा। तो मार्केट में इंडियन कम्युनिटी में देखें तो इंडियन कम्युनिटी में तो शायद एक आधी कोई कॉइन निकला होगा ऐसा जिससे मेरा रिफंड निकल आया हो या जिससे मेरा मतलब इक्वल बैलेंस हो गया हो। मुझे नहीं लगता कि इंडियन कम्युनिटी में या फिर इंडियन कॉइन्स की बात करें तो यहाँ कोई ऐसा कॉइन हो जो इंडिया में चल पाया हो सही से। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं, तो मुझे खुल के बोलना पड़ता है। मैंने जेवरिया जी को फ्रॉड कहा, स्कैम कहा, ये कहा, वो कहा, बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ। सर तबीयत तो सही है ना, विनोद कुमार मीना जी तबीयत बिल्कुल बढ़िया है, जब विड्रॉल नहीं मिलते चीज़ें दिक्कत होती हैं तो भाई ये बोलना पड़ता है, और खुल के आगे बोलने में मुझे शर्म नहीं लगती। उन्होंने बोला जी कोर्ट के अंदर सू कर दूंगा तुझे, कोर्ट के अंदर ये कर दूंगा, तो भैया केस चलते रहते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलता रहता है सब कुछ। जेवरिया सर बस कमिटमेंट करते रहते हैं लेकिन बस खुद का बिजनेस कर रहे हैं। निर्मल भाई इसमें डाउट नहीं है, बिजनेस तो कर ही रहे हैं, पिछले 20 साल से उनकी हिस्ट्री देखो, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एक कंपनी बंद दूसरी खोली, तो करते रहते हैं भैया। सर ATC चल नहीं रहा सर, भाई अभी तक तो चल रहा है, आगे देखते हैं। आर यू बेस्ट फ्रेंड विद जेवरिया, क्रिप्टो पांडु भाई कह रहे हैं, भाई बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता। अभी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनका मैं खुद शिकार हुआ हूँ और जिसमें मेरा अच्छा खासा मोटा रकम डूबा हुआ है, लेकिन क्या है कि उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। आर के मीना जी भाई ATCC वाले अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं, बायबैक नहीं कर रहे हैं, भाई वादे वादे होते चले गए उनके, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसकी वजह से क्या कि सभी के साथ में जो परेशानी आज के टाइम में है वो इसी वजह से है, क्योंकि प्रॉमिस तो हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी में बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं लेकिन वो चीज़ें एक ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाती हैं।
लेकिन मैं भी कई इंडियन में मैं कई एमएलएम में पैसा लगाया है इंडिया में, चाहे परफेक्ट कॉइन हो, परफेक्ट में भी लगाया है, परफेक्ट कॉइन भाई लिख रहे हैं, एमएलएम था जब वो, हालांकि वो हटा दिया गया। तो भाई अपनी रिस्क पे लगाएं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में इतनी टीम लगी हुई है 50-40 लोगों की, वो लोग क्या है कि स्टडी कर रहे हैं उसके बाद में हम अपडेट डाल रहे हैं, गलत कुछ भी हो सकता है। यू शुड हैव लिसन टू गांधी जी, बिल्कुल सुनना चाहिए जी। गांधी जी मेरे से कोई दुश्मनी है क्या सर आपकी, मेरा कोई जवाब ही नहीं देते आप भाई। मैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है ना, यहाँ दुश्मन वाली बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि होता क्या है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी मेरी बहुत सारे लोगों के साथ में चल रही है। तो कभी कभी क्या है कि कोई इंसान गलत नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर अभी काफ़ी लोग हैं जो टाइप कर रहे हैं, मेरी उनसे काफ़ी बार फाइटिंग भी हुई है, मुद्दे पर फाइटिंग हुई है, गुस्से में मैंने 4 चीज़ें उनसे कह दी हैं, उन्होंने उससे कह दी हैं। पर ऐसा नहीं है यार, क्रिप्टो कम्युनिटी में हम कितने लोग हैं, हम आपस में लड़ मरेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी डूब जाएगी। हम लोगों को एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, और मैं कभी किसी भी क्रिप्टो कम्युनिटी की कभी बुराई नहीं करता। सर तबीयत तो सही है ना, विनोद कुमार मीना जी तबीयत बिल्कुल बढ़िया है। तो भाई ने एक क्वेरी पूछी थी और बड़े कि मेरे दुश्मन वाली बात लिखी थी भाई ने, और फिर भी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। मेरे से कोई दुश्मनी है क्या सर भाई, आपसे पहली बात तो दुश्मनी नहीं है, दूसरी चीज़ भाई आपसे कोई दुश्मनी है क्या मेरे भाई, एक बार बताइए। 177% वॉच कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि काफ़ी सारे इंडियन कॉइन हैं जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से क्रिटिसाइज किया है, और उनके बारे में, उनके ओनर के बारे में। तो मैं एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ भाई। मैंने काफ़ी कॉइन को एक्सपोज किया है। व्हाट अबाउट TCC भाई, TCC का पता नहीं, कोई अपडेट आ नहीं रही, प्लीज इथर कैश के बारे में बताइए भाई, वो भी एक तरह से स्कैम हो गया। सर आपको नहीं लगता कि बिटमैक्स से BTC प्राइस का मैनिपुलेशन होता है बहुत, भाई इसमें तो कहने वाली बात नहीं है। सर ETN भाई, ETN गया, ETN तो और डाउन जाएगा अभी। इथर स्कैन के बारे में कुछ बताइए भाई, बता दिया इथर स्कैन के बारे में, बता दिया इथर स्कैन के बारे में। यहाँ पर आप 90% जो कॉइन्स के नाम लिख रहे हैं वो सब स्कैम है भाई। आप BTech किए हैं क्या सर? नहीं भाई, मैंने BTech नहीं करी। और MLM भाई कह रहे हैं स्मार्टी, भाई स्मार्टी कहाँ यार, लाइट जल नहीं रही, अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लाइट है लेकिन उस लेवल का कैमरा नहीं है। वेब मास्टर माइंड कह रहे हैं ना भाई, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आजकल, क्या बात है अरे वकील साहब, ऐसा नहीं है भाई, इतनी बड़ी बड़ी जुल्फे बढ़ रही हैं, कहाँ स्मार्ट लग रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो आप वकील साहब। RK मीना जी कभी भी मिल सकते हैं। अभी क्या है, जो हमारा इस मंथ का प्लान था, इस मंथ के एंड का, कि हम एक सेमिनार करें दिल्ली के अंदर, तो वो हमने कैंसिल कर दिया एक्चुअली। शिवराज जी कह रहे हैं सर TCC का फ्यूचर बताइए, TCC का भाई एक बार बताइए मुझे, कोई ऑथराइज पर्सन क्यों नहीं जवाब देता कि ये चीज़ें यहाँ पर पहुँची, ये हमारा टारगेट है, ये चीज़ें, ये हमारी एल्गोरिथम चल रही है, ये हमारा कंसेप्ट है, हम ये न्यू करने जा रहे हैं, हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी ये है, तो ये सब कम्युनिटी को शेयर करना चाहिए, लेकिन वो कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि उनका क्या है कि यूट्यूबर्स को एडमिन बना दो बस, दैट्स इट। काफ़ी लीडर उनके छोड़ कर जा चुके हैं बड़े लेवल के, जहाँ तक मेरे पास में अपडेट है। PTC कॉइन का रेज इंक्रीज कब स्टार्ट होगा? ओके भाई, आजकल तो इंक्रीज है, और अभी काफ़ी लंबे टाइम से मैं उसमें अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ कॉइन बाय किए हुए हैं। हैप्पी बर्थडे सर नीलेश भाई, आप मेरी हर पोस्ट पे हैप्पी बर्थडे लिखते हो, अच्छी बात है, पर लेकिन अभी है कि अपनी ब्लॉकचेन पे काम करना है, ट्रांजेक्शन पे काम करना है, उनको बहुत सारे सुधार जरूर करने हैं। क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप क्या है, एक तरह से क्या है, जैसे आपका वेबसाइट के लिए एलेक्सा रैंकिंग होती है, वहाँ पर रैंक दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है, ये सारी चीज़ दिखाता है। कोई कॉइन मार्केट कैप इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी हम लोगों ने बना रखी है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर द सेफेस्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, पर हमारे यहाँ तो डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन ही लोगों को नहीं पता ना, दिक्कत बहुत सारी है। गांधी जी मेरे भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, लेकिन दो चीज़ आपको बता दूँ। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि माने चलो अभी क्या था कि एक ICO था, मैं ICO का आपको केस बताता हूँ। उस ICO में क्या है कि मेरे पास में फ़ोन आया, मैंने उसको मना कर दिया, भाई इसमें इन्वेस्ट मत करो।
बंदे ने क्या है कि दूसरे पर्सन से कर लिया, तो जिसको करना है आप उसको कितना भी मना कर लो वो करेगा। विनोद कुमार मीना जी, आप एक बार बता दीजिए, अगर इंडिया में ब्लॉकचेन जैसा कंसेप्ट, जैसा गांधी जी अगर ला दिया जाएगा, तो फिर इन नेताओं का क्या होगा? ये नेता गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे? तो भाई हमारे यहाँ थोड़ा सा झोल रखा जाता है, हर चीज में थोड़ा सा झोल इसलिए रखा जाता है कि चाहे वो कानून हो, कानून के जानकार अभी हमारे साथ में है ही, तो इससे क्या है कि जब मैनिपुलेशन हो ही नहीं पाएगी, जहाँ चीजें हो ही नहीं सकती, तो फिर होगा क्या? गांधी जी को ब्लॉकचेन कंसेप्ट वहां लाया जाता है जहां ट्रांसपेरेंसी की बात हो, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो आपकी सारी ट्रैकिंग हो जाएगी, क्योंकि एक बार ब्लॉक बन गया तो बन गया, और डिसेंट्रलाइज आपका डेटाबेस रहेगा, कोई ऐसा तो है नहीं सेंट्रलाइज है, आपका जहां जो भी डेटाबेस है वो सब जगह सिंक हो रहा है, और जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहे हैं, तो वहां पर उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जब मैनिपुलेशन होगा ही नहीं, सारा काम प्राइवेट पब्लिक की के थ्रू होगा, तो क्या होगा? चलो एक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक चीज़ के लिए, गांधी जी उसको आप पढ़िए, और इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर फ्यूचर मेकर भाई बताता हूँ उसके बारे में, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज के लिए अब वो एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने एक योर स्टोरी पर भी आर्टिकल देने जा रहे हैं, और उनसे मैं जल्दी उनके साथ में एक इंटरव्यू शेयर करूंगा आप सभी के साथ में, क्योंकि मेरी इंटरनली काफ़ी अच्छी उनसे बात है। और आपको याद होगा कि जब एक इंडियन कॉइन के साथ में कुछ चीज़ें हुई थी नेगेटिव, तो उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया था, और हर इंडियन पर्सन का काफ़ी साथ दिया था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं मैंने उनके अंदर। जब भी इंडिया के अंदर कोई क्राइसिस आता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो हमेशा फ्रंट पर खड़े होते हैं, और इंटरनली इस लेवल का काम करते हैं कि अभी आप देखें, उन्होंने एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपकी हर वीडियो मैं वॉच करता हूं। मुझे सबसे ज़्यादा दो तीन चीज़ें अच्छी लगती हैं यूट्यूब के अंदर, सबसे घटिया अगर 100 वीडियो उठा के देख लीजिए, उनमें वीडियो क्वालिटी होगी तो मेरी क्वालिटी हो गई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और अब तो क्या है कि ये डेली का रूटीन सा हो गया है कि दो चार, सर आज ऑल्ट कॉइन डाउन हो गया, सर क्या होगा, नहीं सर आप मिलने का टाइम दीजिए, तो अब तो घर पे भी ये समझ लो कि रूटीन चलता रहता है। लेकिन घर पे मिलने से पता है क्या एक दिक्कत आ जाती है कि आप अजीब इंसान हो। बिल्कुल अली साहब आपने सही कहा भाई, इंडिया के अंदर गांधी जी बेस्ट है, उसमें बिटकॉइन का जिक्र है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। सी यू सून पुष्पन साहब, सी यू नेक्स्ट टाइम गांधी जी, बिल्कुल नाम भी लिया करो, और सेंड मी योर मेटामास्क एड्रेस भाई, मैं अभी इसको बना लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा डिस्कशन हो चुका। और भाई ब्लॉकचेन की तारीफ करते हो, सिखाओ तो कुछ। राधा स्वामी भाई बिल्कुल सिखाना चाहिए, इंडियन कम्युनिटी को हम अगर नॉलेज देंगे तो कम्युनिटी ग्रो करेगी। आई एम ए ब्लॉकचेन डेवलपर, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, गांधी जी ब्लॉकचेन डेवलपर हो आप, बहुत अच्छी बात है, और इंडिया को भी एजुकेट कीजिए ब्लॉकचेन डेवलपमेंट वीडियो से। भाई अपने गांधी जी अपने नाम से 420 तो हटा दो भाई, और नेहरू प्लेस जाओ तो काफ़ी शॉप ऐसी हैं जहां पर आप मेरी वीडियो भी दिखा दोगे, तो चलो दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और स्पॉन्सर चैट वालों के लिए स्पेशल थैंक यू, और बाकी सब के लिए भी स्पेशल थैंक यू, और जिन्होंने केरल रिलीफ फंड में हेल्प की उसके लिए भी, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल, बाय बाय, एक बार लाइक तो कर दो भाइयों, शेयर जरूर कर देना भाइयों, कम से कम शेयर तो कर दिया करो भाइयों, वैसे तो आप इतनी तारीफ करते हो लाइव चैट पर, तारीफ के पुल बांधते रहते हो, कम से कम भाई शेयर तो कर दिया करो वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।